हेलो डियर स्टूडेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक क्वेश्चन कर रहे हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 6.2 पॉइंट टू इंटू टेंस टू पार माइनस ट्वेंटी वन जोड़ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर आपको इतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रखी है गैस मॉलिक्यूल कीवरेज कानेटिक एनर्जी है टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थ्री बाई टू के टी ओके थ्री बाई टू अब अपन लोग जो चेंज कर रहे हैं वो टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया सो फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी टू फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर बस यहां पे जो खास बात है वो ध्यान में रखना होता है कि जो टेम्परेचर है उसको कैलविन में लेना होता है ई टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वन टी टू अपॉन टी वन की जो वैल्यू है वो आपको सिक्स पॉइंट टू इंटू टें माइनस ट्वेंटी वन दे रखी है ई वन ये जो ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो टी वन इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इसमें जब मैं टू सेवेंटी थ्री एड कर दूंगा तो ये कैलविन में बदल जाएगा और टी टू जो है वो आपके पास में टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है इसमें मैं जब मैं टू सेवेंटी थ्री एड कर दूंगा तो ये 500 हंड्रेड केलविन बन जाएगा तो टी टू इज फाइव हंड्रेड कैलविन एंड दिस इज थ्री हंड्रेड कैलविन ये कैंसिल हो गया एंड ये थर्टी वन अपॉन थ्री इंटू टू पावर माइनस ट्वेंटी वन हो गया इसे सॉल्व करेंगे तो टेन पॉइंट थ्री थ्री इंटू टें पार माइनस ट्वेंटी वन झूल आ जाएगा सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ थर्ड तो उस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या रही आ, वो ये रही कि आपको करेक्टली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी और जो खास बात है वो ये है कि टेम्परेचर मस्ट बी इन कैल्फिन ओके थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ईश्वर आपको ज़रूर सफलता देगा